Mr. Kashyap, let me make it clear that I'm not a doctor. I'm not a medical doctor. I can claim to be a doctor of harmonicas, but I'm not a medical doctor. देखिए mouth organ एक बजाने में तो complicated instrument है, लेकिन ये अपने owner को बहुत तकलीफ देने वाला भी इंस्ट्रूमेंट है. हम लोग को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता है कि माउथ ऑर्गन जो है वो आउट ऑफ ट्यून हो गया है. हम सोचते हैं गाना बज रहा है तो उसकी ट्यूनिंग जो है वो उससे कोई फर्क नहीं आया होगा, लेकिन माउथ ऑर्गन की जो ट्यूनिंग है वो बहुत दिन तक स्टेबल नहीं रहती है. डिपेंडिंग ऑन आप कितना बजाते हैं और कितने जोर से बजाते हैं या कितने हल्के से बजाते हैं, माउथ ऑर्गन की जो ट्यूनिंग है वो बिगड़ जा डिस्टेबलाइज हो ही जाती है. और माउथ ऑर्गन का प्रॉपरली ट्यून रहना बहुत ज़रूरी है. हम बहुत से प्रोफेशनल जो माउथ ऑर्गन प्लेयर हैं उनको उनकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो लगता है कि ये कितना अच्छा, कितनी अच्छी आवाज़ इनके इंस्ट्रूमेंट से आ रही है. ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि वो बजाते भी अच्छा हैं, लेकिन उनके वो उनका जो बजाया हुआ संगीत है माउथ ऑर्गन पे वो हमें इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि उनके जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत अच्छी तरह ट्यून्ड है. देखिए जहाँ तक ट्यूनिंग का सवाल है, हम ये सोचते हैं कि एक नए माउथ ऑर्गन में भी जो फैक्ट्री से निकला है वो बड़ा प्रॉपरली ट्यून्ड होगा. ऐसी बात नहीं है. आप अच्छे से आप कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट निकाल के देख लीजिए और उसे बजा के देखिए तो आपको अपेरेंटली नहीं लगेगा कि ये आउट ऑफ ट्यून है, लेकिन होता है उसके अंदर. देखिए ट्यूनिंग जो है एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है. एक हारमोनी का प्रोडक्शन में माउथ ऑर्गन के तो मोस्टली पार्ट मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, लेकिन उसकी जो असेंबली होती है वो तो बाय हैंड होती है. और फाइनली जो जैसे हम कहते हैं कि द सोल ऑफ हारमोनिका, सोल ऑफ हारमोनिका उसकी रीड्स होती हैं जिनको इंडिविजुअली जो है उनको ट्यून किया जाता है. अब एक चार ऑक्टेव का माउथ ऑर्गन है तो उसमें 48 रीड्स हैं, वो 48 की 48 रीड को एक एक करके ट्यून किया जाता है. और ट्यून करने के बाद जो बहुत ही अच्छे प्रीमियम जो मॉडल्स होते हैं उनको एक बार नहीं, उनको तीन तीन बार ट्यूनिंग किया जाता है. एक बार कर दिया अप्रॉक्सीमेट ट्यूनिंग, फिर सेकेंड टाइम में स्लाइट मोर अप्रॉक्सीमेट ट्यूनिंग, और थर्ड स्टेप में जाके उसको फाइनली उसकी प्रिसिशन ट्यूनिंग होती है. अब वो तो जो बहुत ही एक्सपेंसिव मॉडल्स होते हैं उनकी वो तीन बार वो ट्यूनिंग होगी, लेकिन जो सस्ते मॉडल होते हैं, लोअर एंड मॉडल्स होते हैं, उनको एक बार ट्यून करके फैक्ट्री से बाहर कर दिया जाता है. क्योंकि अगर वो माउथ ऑर्गन को तीन बार ट्यून करना पड़ेगा तो नेचुरली उनका जो लेबर कॉस्ट है, हमारे तो लेबर बहुत सस्ती है हिंदुस्तान में, लेकिन जर्मनी या जापान में जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा होती है. वो अगर बिल्कुल प्रिसिशन ट्यून करके आपको माउथ ऑर्गन देंगे तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर एक माउथ ऑर्गन $100 का है उसकी प्रिसिशन ट्यूनिंग करेंगे तो वो कम से कम उसको $150 से कम में नहीं बेचेंगे. उसमें इतना ज़्यादा मैनुअल वर्क इन्वॉल्व है.
अब मैं आपको देखिए गाना कि आपको नॉर्मली बजाने से नहीं मालूम पड़ेगा कि माउथ ऑर्गन प्रॉपरली ट्यून्ड है या नहीं है, लेकिन जब आप ऑक्टेव प्ले करते हैं तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये प्रॉपरली ट्यून्ड है या नहीं है। कि किसी भी माउथ ऑर्गन में जो पहला नोट और पांचवा नोट है वो सेम होता है, जब आप ऑक्टेव प्ले करते हैं तो दोनों नोट एक साथ बजते हैं तो ये तो हो गया आपका एक वेल ट्यून्ड माउथ ऑर्गन। एक नॉट सो वेल ट्यून्ड माउथ ऑर्गन ये है, इस वजह से वो एक कांपती हुई आवाज आ रही है, ट्रेमोलो साउंड। मैंने जैसे कहा कि माउथ ऑर्गन में कोई भी पहला नोट और पांचवा नोट एक ही होता है, जब आप ऑक्टेव प्ले करते हैं तो दोनों नोट एक साथ बजते हैं। अब इसमें ट्रेमोलो साउंड तभी आएगा जब दोनों में से एक नोट जो है उसकी पिच या ज़्यादा है या कम है। आप सिंगल नोट प्ले करेंगे आप उसको ट्यूनिंग कभी आप वो आपको लगेगा बिल्कुल गाना बज रहा है, ठीक है गाना बज रहा है तो वेल ट्यून्ड होगा। एक और मैं आपको टिप देता हूँ, कभी कभी आप ट्रैक के साथ गाना बजाते हैं ना तो आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पिच मैच नहीं कर रही है, हम बोलते हैं साले ट्रैक ही ख़राब होगा। हम ये नहीं अप्रिशिएट करते कि हमारा माउथ ऑर्गन ही आउट ऑफ ट्यून है, इसीलिए एक पर्टिकुलर पैसेज में या पर्टिकुलर पॉइंट पे वो ट्रैक आप और आपके माउथ ऑर्गन के पिच मैच नहीं करती है। इट इज़ ओनली बिकॉज द हारमोनिका इज आउट ऑफ ट्यून। अब देखिए एक्चुअली जो मेरा सब्जेक्ट है वो तो एक्चुअली डेमोंस्ट्रेट करने वाला सब्जेक्ट है कि कैसे मतलब उसको ट्यून किया जाए, लेकिन जितना कुछ मैं बगैर डेमोंस्ट्रेशन के ही आपको बता सकता हूँ उसके बारे में मैं कोशिश करूँगा। मैंने जैसे आपसे कहा माउथ ऑर्गन जो है अपने ओनर को बहुत तकलीफ देता है, कष्ट देने वाला इंस्ट्रूमेंट है, बजने में अच्छा आवाज़ बहुत अच्छी है इसकी, सुनने में भी अच्छा लगता है बजाने में भी अच्छा लगता है, लेकिन अपने ओनर को तकलीफ वो देता है। सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम जो माउथ ऑर्गन में है वो है रीड का आउट ऑफ ट्यून हो जाना। अब आउट ऑफ ट्यून हो गया तो उसे आप घर पे भी ट्यून कर सकते हैं और नहीं होता है तो मेरे पास भी भेज सकते हैं, लेकिन आप घर पे ही ट्यून करें क्योंकि आपको माउथ ऑर्गन थोड़ी बहुत पिच उसके ऊपर नीचे होगी होगी। आप महीना भर बजा के देख लीजिए तो आउट ऑफ ट्यून थोड़ा बहुत हो ही जाएगा। अगर आप अच्छा बजाना चाहते हैं तो माउथ ऑर्गन आपको अच्छी कंडीशन में रखना पड़ेगा। अब माउथ ऑर्गन में क्या होता है, आपने खोल के देखा होगा कवर खोल के, जिनके पास माउथ ऑर्गन है कवर तो खोल के देखा होगा आपने। रीड जो होती है एक साइड में फिक्स्ड होती है, एक साइड में लूज होती है, वाइब्रेट होती है ऐसे ऐसे, वो जब वाइब्रेट होती है तभी उसमें से साउंड निकलता है। तो इसको जो फिक्स्ड है उसको हम बोलेंगे रिवेटेड एंड और ये फ्री एंड कहेंगे। रीड नोट के साथ क्या होता है, बजाते 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 उसकी जो पिच है वो डाउन होने लगती है। अब जब पिच है उसकी डाउन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए तब तो आपको रीड चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन अगर दो पाँच दस सेंट अगर डाउन हो रही है और आप ऑक्टेव प्ले कर रहे हैं और आपको लग रहा है भाई ऑक्टेव जो है मेरा अच्छे तरह साउंड नहीं कर रहा है, तो उसको ट्यून करने का तरीका यही होता है कि जो उसका फ्री एंड है अगर पिच लो है तो उसके फ्री एंड को थोड़ा सा घिस दीजिए। लेकिन घिसने के लिए भी आपका औजार होना चाहिए भाई, बहुत बारीक सी फाइल रखिए आप और जिस रीड को ट्यून करना है उसकी पिच आपने बढ़ानी है तो रीड के नीचे कुछ सपोर्ट के लिए कुछ या तो एक कार्ड एक पोस्ट कार्ड या कोई कार्ड पेपर उसके नीचे रखिए ताकि रीड स्लॉट के अंदर ना जाए और इसके फ्री एंड को थोड़ा सा घिस दीजिए और फिर बजा के देखिए। सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको एक जिसको बोलते हैं ये ट्यूनिंग मीटर किसी भी अच्छी म्यूज़िक शॉप में 700-900-1000-1500 में मिल जाता है, उस पर आप बहुत एक्यूरेटली उसको पिच उसकी चेक कर सकते हैं। वो तो हो गया अगर आपकी पिच लो है उसकी रेज करना तो उसके फ्री एंड को थोड़ा सा घिसिए, और अगर पिच हाई है कभी कभी ये भी होता है कि माउथ ऑर्गन जो फैक्ट्री से निकल के आता है, जैसे मैंने आपको बताया ना फैक्ट्री से भी आने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि बहुत परफेक्टली ट्यून्ड होगा। अगर आपको लग रहा है कि इसकी पिच बहुत हाई है तो उसका जो फिक्स्ड एंड होता है जहाँ रिवेट रहता है उसको घिसिए तो उसकी पिच जो है वो
लो हो जाएगी। अच्छा, दूसरा माउथ ऑर्गन के साथ एक जो कॉमन प्रॉब्लम क्रोमेटिक में होता है तो वॉल्व को लेके होता है, वॉल्व की भी एक लाइफ होती है। माउथ ऑर्गन जो है उसका कोई पार्ट जो है वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलता है, और सबसे जल्दी ख़राब होने वाला पार्ट क्रोमेटिक माउथ ऑर्गन में, क्रोमेटिक हारमोनिका में, आपके वॉल्व्स हैं। वॉल्व जो है बजाते बजाते ऐसे ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो जब वापस अपनी जगह पर आते हैं तो आवाज़ करेंगे, या फिर अगर वो अपने सेंटर से हिल जाते हैं तो फिर वो बजिंग साउंड करेंगे, फर 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 फर, बड़ा इरिटेटिंग साउंड होता है। तो ये वॉल्व चेंज करना तो जो है ये तो हर एक माउथ ऑर्गन प्लेयर को खुद ही करना चाहिए। वॉल्व के जो है आपको हमारे यहाँ तो मतलब म्यूज़िक शॉप पे ये आइटम नहीं मिलता है। अगर आपको वॉल्व ख़रीदने ही होंगे तो आपको फिर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ही मंगाने पड़ेंगे। आप हॉनर से भी ले सकते हैं, या ई स्टॉप भी बेचता है, सुजुकी बेचता है, और इनके जो वॉल्व है वो इंटरचेंजेबल है। ऐसा नहीं है कि आप हॉनर का वॉल्व सीडल में नहीं लगा सकते हैं, सीडल का वॉल्व हॉनर में नहीं लगा सकते हैं, या सुजुकी का वॉल्व सीडल में नहीं लगा सकते हैं। वॉल्व सबके इंटरचेंजेबल होते हैं, आप किसी माउथ ऑर्गन का वॉल्व किसी माउथ ऑर्गन में लगा सकते हैं। सिर्फ रीड्स इंटरचेंजेबल नहीं होती हैं, हॉनर की रीड हॉनर में लगेगी, सुजुकी में नहीं लगेगी, सीडल की रीड सीडल में लगेगी, सुजुकी में नहीं लगेगी, लेकिन वॉल्व इंटरचेंजेबल है आपके वॉल्व चेंज। तो ये दो वॉल्व रिप्लेस करना और ये ट्यूनिंग करना, ये हर एक माउथ ऑर्गन प्लेयर को आना चाहिए। तीसरा कॉमन प्रॉब्लम जो होता है लोगों का, स्लाइडर जाम हो जाता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पहलवानी करते हैं, यूँ कर गए यूँ। मेरे पास बहुत से आते हैं रिपेयरिंग जिनका ये स्लाइडर जो है ना मोड़ा होता है। ये अगर थोड़ी भी अपनी अलाइनमेंट इसकी लूज़ होगी ना तो ये स्लाइडर चलेगा ही नहीं। लगाया किसी ने जोर यूँ ठक ठक किया, यार मैं तो अपने जांग पे कर रहा हूँ तो इसने, लेकिन बहुत से लोग तो उसमें टेबल पे ठोक देते हैं। आपने टेबल पे ठोका नहीं कि ये स्लाइडर मुड़ जाएगा, फिर उस स्लाइडर को उस अलाइनमेंट में लाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आप ले भी आते हैं तो उसके बाद आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, और कोई गारंटी नहीं कि उसके बाद स्लाइडर चलेगा परफेक्टली चलेगा। इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है, वैसे अगर आप खोल के स्लाइडर क्लीन कर सकते हैं तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आती है जो वुडन कोम वाले जो माउथ ऑर्गन होते हैं उसमें आपने जहाँ दो चार बार माउथ पीस के स्क्रू खोले और बंद किए ना, तो उसके बाद वो स्क्रू जो है वो अपनी ग्रिप छोड़ देता है, क्योंकि वो जो उसका स्क्रू होल है वो बड़ा हो जाता है। तो जो ABS कोम के जो वो होते हैं उसके पीछे तो एक चेक नट लगा रहता है, उसमें जाके वो माउथ पीस का स्क्रू एंकर हो जाता है। तो वो तो आप उसको 50 बार खोलिए 50 बार फिट कीजिए को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वुडन कोम वाले माउथ ऑर्गन को मैं नहीं रिकमेंड करता कि आपको बारी बारी खोलना चाहिए उसको, क्योंकि एक बार अगर उसका वो स्क्रू ने ग्रिप लूज कर दिया तो फिर वो होल की रिपेयरिंग करना भी जो है वो सब कोई कर नहीं सकता है। हम लोग तो कर लेते हैं तो ये हर एक कोई कर नहीं पाता है। इसका सबसे आसान तरीका है कोई एक आप मतलब एक रेक्टेंगुलर सा कंटेनर लीजिए जिसकी ज़्यादा हाइट ना हो, और उसमें इसको रखिए और इसके लेवल तक पानी डालिए उसमें, और इसको 5-10 मिनट छोड़ दीजिए, और फिर निकाल के थोड़ा स्लाइडर चलाइए, वो देखिए आप स्लाइडर चलने लगेगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है वो जो ड्रॉपर वाली बॉटल होती है ना, आई ड्रॉप्स की बॉटल, वो ज़रूर रखिए अपने पास। यहाँ पे साइड में ड्रॉपर से 2-4 बूंद यहाँ गिरा दीजिए और आधा मिनट 1 मिनट वेट कीजिए, वो स्लाइडर अपने आप लूज़ हो जाएगा, चलने लगेगा। फिर इसको यहाँ से रिपीट कीजिए, दूसरी साइड से डालिए, आपको स्लाइडर को डिसअसेंबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी तरह वो साफ हो जाएगा। और दूसरा तरीका है एक ईयरबड लीजिए, ईयरबड को अगर आप स्पिरिट में सोक करके क्लीन करते हैं तो वो और बहुत अच्छा है, पानी से ज़्यादा अच्छा जो है उसको स्पिरिट में सोक कर लीजिए, और ये स्लाइडर के ऊपर जो अंदर जो सरफेस है स्लाइडर का उस पर उसको ऐसे ऐसे करके एक एक हर एक होल के अंदर चलाइए उसको, फिर स्लाइडर को प्रेस कीजिए ताकि दूसरी साइड का सरफेस आ जाए यहाँ पे करके, तो इस तरह आपका स्लाइडर कभी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। बहुत से गानों में तो आपका स्लाइडर का मूवमेंट इतना फास्ट होता है कि अगर आपका स्लाइडर कहीं भी जाम हो रहा है तो आपको वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ना ही आपको बजाने में अच्छा लगेगा। बाकी जैसे मैंने आपसे कहा कि है तो वैसे सब्जेक्ट में बोलने के लिए बहुत कुछ, लेकिन उसके साथ बोलने के साथ साथ डेमोंस्ट्रेशन भी मुझे करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है रिपेयरिंग। रिपेयरिंग तो एक बहुत ही एडवांस लेवल की एक्टिविटी है,
जिसके अंदर कि आपको रीड रिप्लेसमेंट करना है, कैसे रीड, वो तो बगैर दिखाए बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं ये आपको मेंटेनेंस हर एक मोस्ट ऑर्गन प्लेयर को आना चाहिए। और क्योंकि मेरे पास एक जरा सी प्रॉब्लम है कि माउथ ऑर्गन आ जाते हैं, आउट ऑफ ट्यून हो गया, ऐसा वॉल आवाज़ कर रहे हैं। अब ठीक है, मुझे मतलब मुझे मेरे चार्जेस मिल जाते हैं, लेकिन मैं जब भी माउथ ऑर्गन रिटर्न करता हूँ तो ओनर को फ़ोन पे ज़रूर बोल देता हूँ कि ये सब घर पे कर लिया करो, मेरे पास भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मैं हर एक महीने करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि माउथ ऑर्गन आपने ख़रीद लिया और उसके बाद शांति से बैठ गए कि हाँ तो कुछ नहीं होगा इसको। आपको भले ही कुछ ना हो लेकिन माउथ ऑर्गन का हुलिया बिगड़ जाता है। इसलिए बेसिक मेंटेनेंस जो है, जिसके अंदर ये दो तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक वॉल्व चेंज करना, स्लाइडर का जाम जो है उसको मतलब क्लियर करना, और ट्यूनिंग में एक बारीक फाइल रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास ट्यूनर है जो किसी अच्छे म्यूजिक शॉप में मिल जाएगा तो उससे आपकी ट्यूनिंग जो है वो बहुत एक्यूरेट हो जाएगी। वो आप अगर आप माउथ ऑर्गन बजाने के मामले में बहुत सीरियस है और आगे भी बजाते रहना चाहते हैं तो माउथ ऑर्गन की मेंटेनेंस हर एक प्लेयर को आनी चाहिए। देखिए जितने प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं वो मतलब अपने माउथ ऑर्गन को इतना वेल ट्यून्ड रखते हैं। मैं आपको लैरी एडल का एग्जांपल देता हूँ। लैरी एडल अपने साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक ट्यूनर को लेके जाते थे, एंथनी डेनेकर सीनियर, अभी उनका बेटा है लंदन में, यूके में उनकी फर्म है, वो कस्टमाइज माउथ ऑर्गन और वो फाइन ट्यूनिंग करते हैं। तो वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनका ट्यूनर साथ में जाता था, एक गाना बजाया जहाँ थोड़ी सी ट्यूनिंग अपसेट हुई तो वो उसी टाइम ट्यून करके सेकंड रिकॉर्डिंग होती थी। इतना मतलब वो माउथ ऑर्गन की ट्यूनिंग के बारे में इतना कंसर्न रहते थे। तो अगर आपको अच्छा बजाना है तो आपको अपने माउथ ऑर्गन को परफेक्टली ट्यून रखना पड़ेगा। बाकी और जैसे मैंने कहा कि ये एक्चुअली डेमोंस्ट्रेट करके बताने वाला सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा बोलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है।